संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2 जून को जनपद के 38 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें लगभग 17,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दो पालियों में होने वाली परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी विनोद सिंह ने शुक्रवार को तैयारियों का जायजा भी लिया और अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा के नोडल अधिकारी व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, 2 तारीख को यूपीएससी के द्वारा आईएएस प्रीलिम की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 सेशन में 9:30 से 11:30 और 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया है। उसके लिए आज केंद्र प्रभारियों की और जो हमारे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स लगे हुए हैं 38 केंद्रों पर, उनकी समीक्षा बैठक आज की गई थी। आयोग की तरफ से विनोद सिंह डिप्टी सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने अपना जहां पर आईएएस की परीक्षा के पेपर्स रखे हैं ट्रेजरी का अवलोकन किया है और केंद्रों का भ्रमण भी वो आज और कल करेंगे। 17,772 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे और ये 38 केंद्रों पर ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।